आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। धर्मनगरी अयोध्या में सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री सहित कई मंत्री और नेता भी मौजूद रहे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने वीणा निर्माता राम सुतार से भी मुलाकात की। इसके बाद वह रामकथा पार्क के लिए रवाना हो गए। साथ ही लोकार्पण समारोह में लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी मौजूद रहे। लता मंगेशकर जी नाम से जो चौक का नाम रखा गया है, अपने मोदी जी ने इसका शायद शुरुआत की थी कि रखा जाएगा लता मंगेशकर जी नाम से, और योगी साहब ने उसी हिसाब से इस चौक का निर्माण करवाया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी वीणा है, 40 फुट लंबी वीणा है, इसकी चौड़ाई 10 फुट है और ये करीब 14 टन वज़न है इसका, जिसमें ब्रॉन्ज और स्टील दोनों मिलाकर वज़न है। और पूरा चौराहा है, बहुत अच्छी तरह से पत्थर का पूरा बना के सजावट की गई है और मेरे ख्याल से लोगों के लिए बहुत अच्छा आकर्षण रहेगा ये। मेनका गांधी का सुल्तानपुर के दौरे का दूसरा दिन था, जहां धनपतगंज और कूरेभार ब्लॉक में कई गांवों में जन चौपाल के माध्यम से जन शिकायतों का निस्तारण किया गया। वहीं मेनका गांधी ने महमूदपुर गांव में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए महमूदपुर गांव के सांसद आशद ग्राम के तहत गोद लेने की घोषणा की। सांसद ने अपने गांव को गोद लेने के लिए जाने से ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। मैं चाहती हूं कि लेखपाल रोज अपने गांव में एक जाए, 5 गांव एक एक लेखपाल के पास है, अगर रोज एक गांव में जाए 9 से 4 तक बैठे तो बहुत सारे मुसीबतें का समाधान हो सकता है। और मैंने ये भी बोला है जो 3 महीने के बाद मैं रिव्यू करूँगी, जो सबसे अच्छा लेखपाल है उसका इनाम मिलेगा, जो सबसे गंदा है वो उसकी नौकरी गई। अमेठी में इस समय होर्डिंग को फाड़ना ट्रेंड बन गया है। प्रधानमंत्री की फोटो लगी होर्डिंग फाड़ने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की होर्डिंग फाड़ने को लेकर मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की होर्डिंग को अज्ञात अराजक तत्वों ने फाड़ दिया। जानकारी मिलने के बाद नाराज कांग्रेसियों ने ब्लॉक अध्यक्ष की अगुवाई में पुलिस को सूचना देकर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पिछले 10-15 दिन पहले हम लोगों ने श्री राहुल गांधी जी की होर्डिंग लगवाई थी मुशाफिर खाना हाईवे पर, जिसे सरारी तत्वों द्वारा कल रात में फाड़ दिया गया। उसी को अवगत कराया गया है माननीय कोतवाल साहब को, एक लिखित पत्र दे दिया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम कोतवाल साहब से चाहते हैं कुछ इससे उसकी कार्रवाई करके जो दंडित हो उसे दंड दिया जाए। अमेठी में महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी कल एक दिवसीय सांसदीय क्षेत्र अपने अमेठी के दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें कि वह भाले सुल्तान शहीद स्मारक पर पहुंचेंगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर किसान मोर्चा के द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत भाले सुल्तान सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। साथ ही वृक्षारोपण भी करेंगी, कई योजनाओं को सौगात भी देंगी। साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास द्वारा गर्भवती महिलाओं को गोद भरा का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगी। इसी के साथ राजस्व विभाग के द्वारा लाभार्थियों को पात्रों तथा वितरण किया जाएगा और कौशल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी, कई जगहों पर निरीक्षण भी करेंगी। हम सबकी लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी का बराबर क्षेत्र में आना जाना लगा रहता है, और जब भी वो अपने क्षेत्र को आती हैं तो कुछ न कुछ अच्छा करके ही जाती हैं। इस बार भी दीदी 29 तारीख को आ रही हैं, रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन करेंगी जिला पंचायत की, लमसम 20 करोड़ की परियोजनाओं का जो जनता के सुविधा को सुगम बनाने की। सीतापुर में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें उन्होंने तहसील में कई ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर जांच न करने के तहत शासन और प्रशासन की लापरवाही पर कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल ने ग्राम पंचायत अधिकार द्वारा भ्रष्टाचार को देखते हुए शासन प्रशासन से जांच की मांग की थी और
कई आंदोलन और प्रदर्शन भी किए। इसके बाद इन्हीं मामलों के चलते कल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी को जिला अध्यक्ष और को अरेस्ट भी किया था। आज पीसी का मेन कारण ये था कि एक रामपुर मथुरा का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, एक भ्रष्टाचार हुआ है शशिकांत तिवारी के खिलाफ। उसने जब हमने जब मेरे पास संज्ञान में आया हुआ था मुद्दा उसका भ्रष्टाचार का, तो हमने एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब को। इसके बाद दूसरा ज्ञापन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरा ज्ञापन देने के बाद 10 लाख रुपए का और भ्रष्टाचार उसने कर लिया। फिर हमने जो है उसी को लेकर के एक धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन शासन प्रशासन अगर उस वक्त ध्यान दे देता और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो शायद 10 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा कर्ज जो है कि कितना भ्रष्टाचार और हुआ है, हो सकता है इतने दिन में और भी हो गया हो, तो वो भ्रष्टाचार रुक जाता। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और प्रशासन के उस पर कई आरोप लगाए। जनपद सीतापुर के महमूदाबाद तहसील के अंतर्गत रामपुर मथुरा में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के तहत इन्होंने काफी प्रदर्शन किए, धरना किया, लेकिन प्रशासन ने कई अड़ंगे लगाए। हम जानते हैं इनसे पूरा मामला क्या है। जी जी, बहुत एक मामला था रामपुर मथुरा का, जिसमें एक शशिकांत तिवारी है जो ग्राम विकास अधिकारी है, उसने भ्रष्टाचार किया। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने उसका भ्रष्टाचार तथ्यों के साथ में, सबूत के साथ में, मैंने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया। उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा हमने फिर एक हफ्ते बाद जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इसके बाद 10 लाख रुपए का भ्रष्टाचार और बढ़ा। अगर ये समय से सुनवाई हो जाती तो शायद ये भ्रष्टाचार रुक सकता। हमारी लड़ाई जारी है, चूंकि हमारा जो है आंदोलन से ही हमारी पार्टी का जन्म हुआ है और हमारी लड़ाई परमानेंट जारी है। जब तक दोषी को सजा नहीं मिल जाती, राजस्व का पैसा सरकार के खाते में नहीं पहुंच जाता है, हमारी इसी तरह से लड़ाई जारी रहेगी। और आज के बाद अगर देखते हैं 2-4 दिन के अंदर अगर कोई हमें आधिकारिक रूप से कोई देते हैं, मतलब सरकार उसके शासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से कुछ आता है तब तो कोई बात नहीं। अगर जांच कमेटी गठित हो जाती है और उसकी जांच होती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम पुनः इसी तरह से ज्ञापन देते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और तब तक हम जो है ये करते रहेंगे जब तक इस दोषियों को सजा नहीं मिले। क्या लगता है इसमें विपक्षियों का भी कोई हाथ? विपक्षी का तो नहीं कहेंगे, जब सरकार उनकी है तो जब सरकार में ही जो है काम नहीं हो पा रहे हैं उनके। और सरकार तो देखिए बाबा जी, तो हम जानते हैं कि बहुत अपने को कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और हैं भी, अगर ये संत हैं योगी हैं तो ईमानदार ही होंगे, लेकिन उनकी ईमानदारी में दाग कहीं ना कहीं इनके अधिकारी और इनके नेता लगा, और इनको संज्ञान में लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए इस प्रकरण को और तत्काल जो है कि अच्छी से जांच करानी चाहिए, दोषियों को सजा दिलानी। तो ये थे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल, जिन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन जो रामपुर मथुरा में भ्रष्टाचार हुआ उसके प्रति जो लापरवाही दिखा रहा है उसके ये आगे भी उसको ये आंदोलन जारी रखेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सुनीश तिवारी, प्राइम टीवी। अलीगढ़ में लगातार सरकारी विभागों में अधिकारियों के द्वारा विभागों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसकी वजह से जिले के सभी अधिकारी लगातार सरकारी विभागों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के तहत संयुक्त रूप से जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला जेल का भी निरीक्षण किया। प्रदेश में समय समय पर सरकारी विभागों का निरीक्षण कर वहां की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। जो मेरे और एसएसपी साहब तथा डीजे साहब के द्वारा किया गया है, जेल की सामान्य व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं, लेकिन बहुत सारे बंदी ऐसे हैं जो जिनके जमानत संबंधी प्रार्थना पत्र या उनकी न्यायिक प्रक्रिया थोड़ा स्लो है, उसको भी तेज करने के लिए कहा गया है और जिनको निःशुल्क या बिना पैसे के न्यायिक सहायता चाहिए ऐसे लोगों को भी पूछा गया है कि कोई अगर कैदी ऐसा है तो बताए तो उसको मुफ्त में कानूनी सहायता दी जा सके। खबर औरैया जनपद से है, जहां वैशाली गांव के मृतक छात्र के घर कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचे। आपको बता दें कि मंत्री ने आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया है। मृतक की मां ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उनके पति पुत्र समेत परिजनों के विरुद्ध ही पुलिस ने उल्टा मुकदमा लिख लिया, जिस पर
पूरा केंद्रीय पूर्व मंत्री ने बिना जांच पड़ताल के मुकदमे लिखे जाने पर नाराजगी जताई है। मृतक छात्र के परिजनों द्वारा 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य की सरकारी नौकरी और आवास दिलाने जाने के साथ आरोपी शिक्षक की जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण के लिए मोहनलाल गौतम राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां अलीगढ़ महापौर मोहम्मद फुरकान निरीक्षण के दौरान अस्पताल के परिसर में साफ सफाई देखी, साथ ही अस्पताल के अंदर डस्टबिन, पानी की लाइन, शौचालय और फायर सेफ्टी समेत कई बिंदुओं पर महापौर मोहम्मद फुकरान ने निरीक्षण किया। अस्पताल के मैनेजर मोहम्मद वसीम ने बताया कि आज महापौर मोहम्मद फुकरान द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया है और अस्पताल में मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए कार्य लगातार किए जा रहे हैं। ये जो है आरकेएस में जो अनुश्रवण की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में जो हमारे जनप्रतिनिधि मेंबर्स होते हैं वो अस्पताल का निरीक्षण करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि अस्पताल में क्या भी जनहित में कौन कौन से कार्य कराए जाने की आवश्यकता है। तो मेयर साहब के कुछ फीडबैक्स आए हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा और बाकी जो अदर डिपार्टमेंट के सहयोग से चिकित्सालय में जनहित में होने वाले कार्य हैं उनके माध्यम से मिलकर इस चिकित्सालय को बेहतर बनाने में सहयोग किया जाएगा। ये हमेशा होता रहा है, मेयर चूँकि अध्यक्ष होता है वाले भाई यहाँ पर, तो 6 महीने में कुछ दिन में एक मीटिंग रखी जाती है और पूरा सर्वे करके किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्या मरीजों को कोई तक है, वो सब सर्वे किया, देखा, मुतमिन भी हुए, बहुत सफाई सुथराई है, लेकिन जो चीज़ों का होना ज़रूरी है वो इनसे हम वायदा करके जा रहे हैं और इंशाल्लाह उसको हम कराएंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल हमारा है, पब्लिक का है और ये पब्लिक को जितनी सुविधा मिले इसमें हमारा सबका फ़ायदा है, गवर्नमेंट का फ़ायदा है और एक इमेज बनती है, गुडविल बनती है हॉस्पिटल की और जहाँ तक मैंने देखा अच्छा पाया। प्रयागराज में कई प्रमुख चौराहे पर कपड़े की कंपनी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं जिसमें कुछ महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में दिख रही हैं, जिसका राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता को आहत करने वाली होर्डिंग को कंपनी द्वारा हटाया जाए, नहीं तो सड़कों पर इसका विरोध होगा। यह बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान की गई इस वार्ता में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन नव युवकों द्वारा संचालित धार्मिक आध्यात्मिक सेवा संगठन है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन आगामी 30 तारीख को अपने 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और 10वां वर्ष किसी भी संस्था के लिए ये गौरव की बात होती है कि संस्था अपने 10वें वर्ष में प्रवेश करे, इसलिए ये कार्यक्रम बहुत अभूतपूर्व होने जा रहा है, जिले के अंदर एक इतिहास बनने जा रहा है, लगभग 10,000 की संख्या में वहाँ पर लोगों की आने की संभावना है जिसमें से 1200 के लोग डेलीगेट्स के तौर पर देश भर से आ रहे हैं, इन उड़ीसा से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सारे देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं, उनके रुकने की, उनके आवागमन की, उनके भोजन की लगभग 3 दिनों की व्यवस्था प्रयागराज में राष्ट्रीय हिंदू संगठन कर रहा है। जानकारी में ऐसी होल्डिंग्स को लगवाया गया है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के हिंदू सैनिक नगर निगम की महापौर का भी विरोध करेंगे और उन लगवाने वाली कंपनीज का तो इस टाइप का विरोध होगा कि उस कंपनी को अपनी 7 पुस्तें याद आ जाएंगी, चूंकि भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ राष्ट्रीय हिंदू संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बदायूं में बुर्रा फरीदपुर गांव के रहने वाले नथु के मकान के पीछे 2 महीने से एक व्यक्ति किराए पर रह रहा था। मकान मालिक की पत्नी ने किराएदार के अवैध संबंध हो गए थे, वहीं किराएदार को लेकर बेटे ने अपनी माँ से विरोध किया। माँ ने अपने बेटे को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी से मिलकर साजिश रची, माँ और प्रेमी ने मिलकर बेटे की हत्या कर दी। कुछ ही दिनों पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस और एसओजी टीम की मदद से हत्या का खुलासा कर दिया गया। मृतक की माँ, उसके प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेजा है। वहीं एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जनपद बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र में एक 16 वर्षीय बच्चा की गुमशुदगी दर्ज हुई थी और उसके बाद उस बच्चे का शव थाना जरीफ नगर क्षेत्र के एक धान के खेत में मिला था, जिस संबंध में थाना उझानी पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। ये अज्ञात हत्या थी जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना उझानी और एसओजी की टीम को लगाया गया था और उनके द्वारा इसमें मात्र 12 घंटे के अंदर ही जो इसका मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली। मैनपुरी में
खुलेआम अवैध सट्टे का कारोबार चल रहा है। सट्टा लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस महीना बंदी बांधकर शहर में अवैध सट्टे का कारोबार कर रही है, वहीं शहर में कई लोगों ने कई स्थानों पर सट्टे की मंडियां सजा दी हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लिया और सट्टा कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने की बात भी कही। पति वगैरह क्या कर रहे हैं? कोई कुछ ना करता है, वे लोग तो दारू वारू पीते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ सट्टे का कारोबार करती हैं, उससे गुजारा होता है आपका परिवार का? अच्छा, यहाँ पुलिस कितना ले जाती है? हा? पुलिस कितना कमीशन लेती है आपसे? आप पुलिस का लक्ष्मी देते ना है। अच्छा, लक्ष्मी का ये लक्ष्मी का है? अच्छा, तो लक्ष्मी उनको इकट्ठा देते हैं? लक्ष्मी देते हैं। आपको क्या कमीशन देते हैं लक्ष्मी? आपको क्या कमीशन? हमें तो पैसे मिलते, मेहनतदारी मिलती है, 7,000 रुपया। अच्छा, दोनों लोगों को उसी से गुजर बसर करते हैं। अब बताओ, पहले सारी जगह हो रहा, कोई हम तो नहीं करना रहे हैं। अच्छा, मैनपुरी में ऐसे कितनी जगह पे हो रहा? मैनपुरी बहुत जगह हो रहा है। यहाँ पे पिस्सूलाला है, घंटाघर पे, यहाँ घंटाघर पे भी होता, देवी रोड पे भी होता है, और जो बैंक है, बैंक के सामने भी तीन लोग करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुआ कि शहर में सट्टे का कार्य चल रहा है। इस संबंध में संबंधित क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाए, साथ ही सख्ती से इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो भी दोषी होंगे उनको। अलीगढ़ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं से साफ सफाई और झाड़ू पोछा करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिन बच्चों के हाथों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए किताबें होनी चाहिए थी, वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की प्रधानाचार्य ने मासूम छात्रों के हाथों में विद्यालय की साफ सफाई और खाना बनाने का जिम्मा सौंप दिया है। छात्रों ने बताया कि विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिदिन विद्यालय परिसर में झाड़ू पोछा लगवाया जाता है और वहीं उनसे खाना बनवाया जाता है। वहीं पूरे मामले पर प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। झाड़ू पोछा कराती हैं, सुबह जाल सा उसमें बंदर लैट्रिन कर जाते हैं, वो सफा करवाती हैं, और चावल और दाल देती हैं बस खाने के लिए। हाँ, और उन कहती हैं सर आए तो कहती हैं क्या ना कि बताना मत कि हमको दुखी रखती हैं और सामान फामन कुछ नहीं देती हैं। तो आपने इस संबंध में शिकायत नहीं करी? नहीं, कभी दीदियों से खाना ही बनवाती हैं और वो कुछ कहें तो उन कहती हैं अभी नाम काट के भगा दूंगी, डांटती भी हैं। आपने शिकायत की उनसे? की थी। तो क्या कहती हैं वो? झाड़ू पोछा लगवाती हैं और कहें तो नाम काट के भगा दूंगी, डांट भी थी। खबर अयोध्या से, जहां बीकापुर कोतवाली पुलिस ने बीते दिनों प्रतापगढ़ में लूटी गई ट्रक मामले का खुलासा बुधवार को किया, जिसमें ट्रक के साथ 14 टन सरिया बुलेरो के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी थाना क्षेत्र में एक सरिया लदी ट्रक लूटी गई थी, जिसके संबंध में थाना बीकापुर क्षेत्र में ट्रक और उस पर लूटी गई सरिया बरामद की गई। उसके साथ तीन अभियुक्त और तीन अभियुक्तों ने जो बोलरो गाड़ी यूज की थी और उसके एक साथ एक शस्त्र लाइसेंस था उनका, पंप एक्शन गन, वो भी बरामद हुआ है। कुछ रुपये बरामद हुए हैं। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। रायबरेली में बीते दिनों घंटाघर चौक पर चढ़े युवक को पुलिस ने पकड़कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। आपको बता दें कि युवक ने वाइटनर जैसे नशे का इस्तेमाल किया था। वहीं जब युवक से पूछा गया तो यह वाइटनर कहां से लाए हो, तो उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, तो युवक ने बताया कि वाइटनर बुक मार्केट में मिलता है। बुक मार्केट में दिखा रहे वाइटनर की जाँच तुरंत की जाए और ऐसे किसी भी व्यक्ति को ना दिया जाए जो इसका प्रयोग नशे के लिए करता हो। खबर औरैया में, सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर साई मंदिर के पास पैच वर्क का कार्य कर रहे मजदूरों को एक तेज़ रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी है, जिसमें उसमें सवार दो लोग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के चलते दोनों को रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोल पेज की डंपर पे हंसे ठोकर मार दी। कितने लोग थे डंपर में? डंपर पे हम हंसे तो 6 लोग, मतलब 3 लेबर हंसी, 10 फरवरी 1 ड्राइवर। डंपर किस कंपनी का था? ओरिएंटल कंपनी का था। फिर क्या हुआ? गाड़ी खड़ी थी साहब, सेफ्टी लगी थी, काम कर रहे थे, दूसरी गाड़ी आई वन ठोकर मार दी। खिलाड़ी साइड में, उस साइड में मैं बीच में चल रहा था, तो इसने आत्मसमर्पण के पैर कंबल में आ गया साइड में, बोला कि मैं गड्ढा भर रहा, गड्ढा कुछ नहीं भर रहा था सर जी। ये खड़ा था कि चल रहा था? चल रहा था जी, कोई बात नहीं, परेशान मत हो सर जी। चल नहीं रहा था जो मैं बिल्कुल नंबर से, एक नंबर से चला, बस को बचाया, बस वाले को, दो मोटरसाइकिल वाले को बचाया, ये साइड में बीच में आ गया, बीच से आगे एक नंबर में आ गया। बट्टूला 63 साल के दो पेशेंट लगभग 3 बजे जिला अस्पताल औरैया आए, जिनका डांबर से जलकर रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और गंभीर अवस्था में है, जिनका प्राथमिक उपचार करके उनको रेफर किया जा रहा है। बलिया के मुठरी गांव में पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि उसके बहन को उसके ससुराल के परिजनों ने फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी है और साथ ही कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिस पर पीड़िता जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाई है। 23 तारीख को मेरी बहन की हत्या जहेज के कारण कर दी गई है और अभी तक गिरफ्तारी ना तो उसके पति की हुई है ना किसी घर वालों की हुई है। तो मैं चूंकि मीडिया जो चौथी स्तंभ है, आप लोगों से ही हमें यकीन है क्योंकि वो सोर्स वाले बहुत हैं, पैसे वाले, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। 26 तारीख को थाना में हमने FIR किया, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, वो घूम रहे हैं, हमें धमका रहे हैं तरीके से और पैसे की बातें कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं सर कि हमारी जो बात है पूरी जनता तक जाए और इस मामले में जो दोषी हो, जो सही चीज़ है वो की जाए ताकि अगला ये हत्या किसी और बहन के साथ नहीं हो पाए। हरदोई में नगर पालिका परिषद के सभासद प्रत्याशी की अराजक तत्वों ने होर्डिंग फाड़ दिए, जिससे नाराज भाजपा नेता ने विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी की लोकप्रियता देखकर विपक्षी परेशान हैं, इसी वजह से होर्डिंग फाड़ रहे हैं। अगर चुनाव लड़ना है तो सम्मान के साथ लड़ें, किसी की होर्डिंग ना फाड़ें, जिससे समाज में राजनीतिक लोगों के प्रति गलत धारणा बनती है। इसलिए सभी को सम्मान से चुनाव लड़ना चाहिए और विरोध राजनीतिक सिद्धांतों के साथ करना चाहिए, जिससे समाज में नेताओं के प्रति एक अच्छी सोच बनती है। और वहीं भाजपा नेता ने शासन प्रशासन से होर्डिंग फाड़े वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। आज वार्ड नंबर 19 में रफी अहमद के पीछे हमारे प्रत्याशी मोहम्मद आफाक, जो कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं, उनकी होर्डिंग को फाड़ा गया है। एक होर्डिंग नहीं, 3 होर्डिंगें फाड़ दी गई हैं। ये विरोधियों की चाल है और उनकी हार उनको नजर आ रही है, इसलिए ये हमारा विरोध होर्डिंग फाड़ कर किया जा रहा है। मैनपुरी में भव्य श्री राम कथा का प्रथम आयोजन किया जाएगा। विद्यालय सुस्ती ग्लोबल एकेडमी में होने जा रही यह 9 दिवसीय श्री राम कथा 30 सितंबर से प्रारंभ होकर 8 अक्टूबर तक चलेगी। परिसर में हर रोज 10,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। प्रेम भूषण महाराज के निजी सहायक ने बताया कि हर रोज श्री राम कथा का फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण भी होगा। उन्होंने कहा कि संस्कृति के कल्याण के लिए और आम लोगों की भलाई के लिए भारतीय समाज में संस्कारों के प्रसार के उद्देश्य से लगभग 30 वर्षों से महाराज कथा कर रहे हैं। मैं जनपद वासियों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि राम कथा आप सबके द्वारा हो रही है और एक ऐसे महाराज श्री महाराज भगवान प्रेम भूषण जी महाराज आपके जनपद में पधार रहे हैं। आप सब आइए, आप सबके बैठने का अरेंजमेंट है, आइएगा, आपको राम कथा सुनने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर में शहर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता 3.25 करोड़ रुपए मुंबई के व्यापारी से हड़प लिए हैं। आरोप है कि सांसद ने इस वर्ष पहले व्यापारी को रुपए उधार दिए थे, व्यापारी पर रुपए लौटाने का दबाव बनाया तो चेक थमा दिया जो कि बाउंस हो गए। सांसद की शिकायत पर कैंट पुलिस ने मुंबई के व्यापारी के खिलाफ रुपए हड़पने का केस दर्ज कराया है। मामले की जाँच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। जनपद गोरखपुर के कैंट थाना पुलिस को 12 सितंबर 2022 को सांसद श्री रवि किशन शुक्ल द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया कि 2012 में
एक कमला बिल्डर मुंबई को 3,25,00,000 रुपए दिए गए थे। उसने वो रुपए लौटाने के एवज में 34,00,000 रुपए के 12 चेक दिए थे। उनमें से एक चेक इंडियन बैंक गोरखपुर यहाँ पे दिया था, वो चेक बाउंस हो गया। उसके आधार पर उन्होंने यहाँ पे कैंट थाना में तहरीर दी। तहरीर जाँच उपरांत उसमें प्रथम दृष्टया अभियोग 406 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर सीतापुर से, जहां योगी सरकार शिक्षा व व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास में लगी है। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में पानी में भर गया, वहीं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आधे आधे पानी में उतर कर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन इसका कोई भी उचित समाधान नहीं कर पा रहा है। विद्यालय में आने वाले अधिकतम छात्रों के परिजन जल भराव के कारण अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे हैं। वहीं ऐसी स्थिति में यह लगता है जल भराव की समस्या कई बच्चों के भविष्य को भी ना डुबा दे। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में गांव हस्तपुर में एक परिवार पर एक दर्जन से ज़्यादा SC/ST के मुकदमे दर्ज कराने वाले परिवार के खिलाफ महापंचायत का बिगुल बज उठा है, जिसके बाद प्रशासन ने सभी के पसीने छूट गए। प्रशासन के द्वारा आनन फानन में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। प्रशासन के द्वारा महापंचायत को ना लगाने की बात कही गई, लेकिन धीरे धीरे महापंचायत का कारवां बढ़ता चला गया। आलम यह है कि सुबह 10 बजे से ही महापंचायत स्थल पर भीड़ लगने लगी। जिले के बाद अन्य प्रांतों के लोग भी महापंचायत में आ पहुंचे। महापंचायत में आह्वान किया गया कि जल्द ही पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो उसके द्वारा DM अलीगढ़ का घेराव किया जाएगा। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव हस्तपुर का है। भाई, हम हरिद्वार के आदमी, हरिद्वार से रहने वाले शांति प्रिय आदमी है। हमें ये पता लगा कि वहाँ एक परिवार के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा, अब उस पर बलात्कार भी, एक ही परिवार के साथ माँ के साथ ही बलात्कार कर दिया, लड़की के साथ भी बलात्कार कर दिया। बताओ कहाँ की इंसाफ की बात है? क्या एक आदमी वो बलात्कारी करवाता फिर रहा और वो सरकार से मुआवजे ले रहा? 11 केस इन लोगों के खिलाफ डाल दिए, SC/ST वगैरह 100 चीजों के। तो हम तो सर्व समाज के आदमी, हम किसी बिरादरी की बात नहीं करते। हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ किसी के साथ अत्याचार होता है। इन लोगों के साथ हमारे समझ में पूरे जोर शोर से आया कि इनके साथ अत्याचार हो रहा, तो भाई हम अलीगढ़ में आए। देखिए, प्रशासन के द्वारा एक दलित परिवार जिसके संबंध SC/ST एक्ट आयोग में है, उसके दबाव में लगभग 2008 से अब तक 18 से 20 मुकदमे फर्जी लगाए गए। 100 बीघा खेत का जोता रोड पर आ गया, उसके समर्थन में हमने पंचायत की है। अगर CBI नार्को और SIT का गठन करके न्याय नहीं दिया गया। खबर सीतापुर से, जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन के अवसर पर सेवा पखवाड़े के चलते BJP रोजाना ना कोई सेवा भाव से कार्यक्रम करती नजर आ रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा को 1 अक्टूबर के दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम सौंपा है, जिसको लेकर BJP कार्यालय पर जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ मंडल अध्यक्षों की बैठक की गई। साथ ही कार्यक्रम को उचित रूप देकर अच्छा कार्यक्रम कैसे किया जाए, इस पर विशेष चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा एवं किसान मोर्चा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोज वर्मा रहे। वहीं जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा संत नाम सिंह ने आए प्रमुख अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिला पदाधिकारियों के साथ साथ मंडल के कई पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। संभल असमोली विकासखंड गांव के दवोई खुर्द में पनीर की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जिसमें छापेमारी के दौरान पानी में पाउडर मिलाया जा रहा था और उसको मिलाकर दूध और पाउडर का पनीर बनाया जा रहा था, जिसमें SDM साहब ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाया और पनीर दूध का सैंपल मंगवा कर जाँच के लिए भेज दिया। इस दौरान उप जिलाधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी समेत वहाँ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ रोरावा थाना इलाके में मखदूम नगर में गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करने के बाद मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने वाली विशेष समुदाय की महिला के घर के बाहर विवादित पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर में धमकी दी गई है। पिछले दिनों गणेश मूर्ति को घर में स्थापित करने को लेकर मौलवियों ने फतवा जारी किया था, जिसको लेकर वह काफ़ी चर्चा भी रही थी। वहीं महिला ने कहा है कि मैं शिकायत पुलिस के अधिकारियों से भी की थी, मेरे खिलाफ पहले भी फतवे जारी हो चुके हैं
और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह पोस्टर लगाए किसी ने या रात को लगाए या हमें पता नहीं, हम लोग सो रहे थे, पड़ोसियों ने हमारा दरवाज़ा बजाया, पड़ोसियों ने बताया तुम्हारे बाहर पोस्टर लग रहे हैं सुबह 9 बजे। मामला क्या था, क्यों लगे हैं पोस्टर? पोस्टर पहले मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी, तब भी कमेंटबाजी, और ट्विटर पे मेरा अकाउंट खोलकर उस पर भी कमेंटबाजी, इस तरह की उल्टी सीधी बातें फतवे जारी इन्होंने पहले भी किए। मेरी पत्नी रूबी आसिफ खान ने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी, वो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना चाहती हैं, लेकिन कुछ जिहादी मौलाना मुल्ला, कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेता वो देश में जो है आग फैलाने की कोशिश करते हैं, आए दिन फतवेदारी करते रहते हैं कि साहब ये हिंदू बन गई है, इसीलिए तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। थाना रोरावर पर रूबी आसिफ निवासी रोरावर द्वारा पुलिस को सूचित किया गया कि उनके घर पर किसी ने धमकी भरा लेटर चिपका दिया है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत थाना रोरावर पर किया गया है तथा तथ्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ महानगर में श्री खाटू श्याम बाबा की तिथि स्थापना दिवस 30 सितंबर को मनाया जा रहा है। आपको बता दें यह जानकारी मीडिया प्रभारी ने दी है, वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई। महंत योगी ने बताया कि गिलहराज जी मंदिर अचल ताल पर 30 सितंबर शाम 4 बजे से विभिन्न कार्यक्रमों में भजन संध्या आयोजित की जाएगी, जबकि भजन संध्या में भजन गायक जन भजनों के माध्यम से शाम को रिझाने और भजनों की गंगा प्रभावित करेंगे। अंत में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री जी ने बताया कि पिछले कई सालों से खाटू श्याम बाबा का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। आगामी 30 तारीख शुक्रवार को बाबा श्री श्याम जी का तृतीय स्थापना दिवस यहाँ मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ। बाबा श्याम को यहाँ आयु 3 वर्ष हो जाएंगे। सर्वप्रथम बाबा श्याम का अभिषेक किया जाएगा, प्रातःकाल से ही बाबा श्याम का भव्य फूलों के साथ श्रृंगार किया जाएगा, मंदिर परिसर में भव्य फूलों के साथ फूल बंगला किया जाएगा, बाबा श्याम का दरबार लगाया जाएगा, भक्तों के लिए इत्र वर्षा और श्याम रसोई की व्यवस्था की जाएगी। बाबा श्याम को रिझाने के लिए जयपुर से साक्षी अग्रवाल, फर्रुखाबाद से नीरज निराला एवं रेशु पायल बुलंदशहर से आएंगे, जो कि सुंदर सुंदर भजनों से प्रस्तुति देंगे। तो इस प्रकार हम बाबा श्याम का स्वागत करेंगे और सभी भक्तों के लिए उचित सुविधा यहाँ उपलब्ध रहेगी। मैनपुरी में पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर महिला अनशन पर बैठ गई, जिसके बाद एसडीएम ने महिला से बातचीत कर अनशन को तोड़वाया। महिला ने बताया कि उसकी पट्टे की जमीन पर गजेंद्र सिंह ने कब्जा कर लिया है, साथ ही उन्होंने मांग की है कि वह कब्जा हटवाकर उन्हें जमीन पर कब्जा दिलवा दिया जाए। महिला अनशन पर बैठी थी, ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है सिरपुर में, चूँकि महिला मुझसे कभी मिली नहीं है। मामला बेसिकली ये था कि किसी व्यक्ति को पूर्व में कृषि पट्टा आवंटित हुआ था, वो पट्टा किसी प्रकार से निरस्त हो गया और उसका जो वाद है वो रेस्टोरेशन के तौर पे जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है। अभी वहाँ से कोई प्रकरण का निक्षेपण नहीं हुआ है, कोई वाद विचाराधीन है केवल, और उसी समय अंतराल में किसी महिला को पट्टा आवंटित कर दिया, तो इनकी ये मांग है कि उस पर इनको पैमाइश करके कब्जा दिलाया। कुशीनगर में कस्सा थाना के अंतर्गत हिरणवती नदी में कक्षा 12वीं की छात्रा ने नदी में छलांग लगा दी। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर कई आला अधिकारी और विधायक नदी के किनारे पहुंचे, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। एनडीआरएफ की टीम ने नदी के में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और साथ ही गोताखोर की कड़ी मशक्कत करते हुए नदी में खोजबीन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक छात्र का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा है। लगातार रात में प्रशासन से संपर्क में है, एसडीएम, डीएम और तहसीलदार से मुझे 6 बजे बात हुई है, कहा है कि 8 बजे तक आ जाएगी। 8 बजे तो नहीं, 8:30 बजे एनडीआरएफ की टीम आई है और लगातार प्रयास कर रही है, एक एक में दो दो बोट लगे और एक्सपर्ट लोग। अब है क्या कि पानी की बहाव तेज है और कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लाश मिल जाएगी। हिरणावती नदी पर अपने साइकिल और बाइक फेंक कर स्वयं नदी में कूद गया, तब से तलाश जारी है। प्राइवेट जो गांव के लोग गोताखोर थे उन लोगों को बुलाया गया, सुबह से भी लगे हैं, कल शाम को भी लगे थे,
NDRF जो राष्ट्रीय आपदा से संबंधित लोग हैं वो लोग भी आ गए हैं। दो टीम नदी में उतर चुकी है जिसकी छानबीन लाश बरामद करने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। साथ ही सपा के राज सम्मेलन में नरेश उत्तम को फिर से प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। वहीं प्रदेश भर से समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुए। उसी क्रम में सपा के बरेली के चुनाव प्रभारी एडवोकेट मनोज ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी का आज नवा राज्य सम्मेलन हो रहा है और प्रदेश भर से आज कार्यकर्ता लखनऊ के रमाबाई मैदान आए हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बरेली के जिला कोषाध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद यादव जी, हमारे साथ हैं। अच्छा प्रमोद जी, आज नवा राज्य सम्मेलन है, इससे समाजवादी पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, मजबूत तो हम पहले से थे, अब एक नई ऊर्जा आज से हर एक कार्यकर्ता को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में जो कहा है उससे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे जितने भी विधायक हैं उन लोगों को एक नई ऊर्जा देने का काम किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने। और 5 जुलाई से लेकर लगातार हम लोगों का सदस्यता अभियान चल रहा था, वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग राज्य सम्मेलन में आए हुए हैं, बरेली से मैं हूँ और कल राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये नौवा राज्य सम्मेलन है, तो हम लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह, सभी लोगों में उत्साह वर्धन है। अच्छा, जो सूबे की कमान है फिर से नरेश उत्तम पटेल को दी गई है, तो कितनी चुनौती लगती है आपको, क्योंकि साल के अंत में निकाय चुनाव है, उसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, नरेश उत्तम, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी कोई पुराने नहीं है, वो कोई नए अध्यक्ष नहीं है, वो बहुत पुराने अध्यक्ष हैं, उन्हें बहुत अनुभव है, खाटी समाजवादी हैं वो, मैं 20 साल से मैं देख रहा हूँ और लगभग उनको मुझे लगता है 35 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें बहुत एक पुराना अनुभव है। और प्रदेश अध्यक्ष जी सब जानते हैं, हर एक उत्तर प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता के बारे में वो जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को उनको पुनः प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया है उनको जिम्मेदारी दी है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके निर्देश पर हमारा प्रदेश जो है वो और ऊंचाइयों पर पहुँचेगा। अच्छा मुनि जी, ये बताएं कि विधानसभा चुनाव के दौरान आपको टिकट मिलने की बातें कही जा रही थी, बहुत चर्चाएं थी, मगर आपको टिकट नहीं मिला, तो 2024 में क्या अपेक्षा रखते हैं पार्टी से? देखिए, 2018 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे 123 भीतरी चैनपुर का विधानसभा का प्रभारी बनाया था। हमारे बरेली में 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं में मात्र एक भीतरी चैनपुर ऐसा विधानसभा है जहां केवल मुझको प्रभारी बनाया, तो तमाम लोगों की ये सोचने पर मजबूर हो गए कि प्रमोद को ही क्यों बनाया है। हालांकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कहीं ना कहीं संकेत था कि वहाँ से वो मुझको टिकट देते, लेकिन किन्हीं कारणों से जातिगत समीकरण के हिसाब से वो टिकट नहीं मिल पाया। रहा सवाल लोकसभा का, तो लोकसभा का मेरा ऐसा कोई किसी प्रकार का मन नहीं है, 22वें टिकट मिल जाता तो अलग बात ही, नहीं मिला तो भी कोई मुझे कोई किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल छात्रों के, आज इलाहाबाद के अंदर में छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं फीस वृद्धि को लेकर, तो वकील साहब इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो अपनी मांग को लेकर जो बैठे हैं, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी उनके साथ में है और जिस तरीके से छात्रों पर उनके साथ में जो मूल वृद्धि बढ़ाई गई है, आप देखिए किस तरीके से आपने फीस की वृद्धि बढ़ाकर छात्रों पर कुठाराघात किया है, छात्र परेशान हैं और प्रमोद यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करती है और मैं चाहूँगा और कि योगी सरकार जो है इस पर विशेष ध्यान दे, छात्रों के हित में वो कार्य करने का अपना काम करें। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर हाल फिलहाल में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में रोजगार साथ ही साथ महंगाई को उन्होंने सरकार को पे सवाल खड़ा किया है, इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सवाल खड़ा किया है वो जनता भी कह रही है,
पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, बल्कि देश की मैं बात करूं, आप डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, आप सरसों का तेल देख लीजिए, जितनी महंगाई आप देख रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं, वो जनता का एक मुद्दा है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम किया। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, हमारा सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद, राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन समाप्त होने के बाद, ये जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में रहकर और उनके आंदोलन में हम लोग भाग लेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बरेली के जिला संयोजक मनोज यादव थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि हाल फिलहाल में जो बढ़ती महंगाई है, साथ ही साथ रोजगार है, वो अहम मुद्दा है, सरकार को उस पर देखना चाहिए। और इस अधिवेशन की सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इससे मजबूत होगी। कैमरामैन विजय के साथ विभान सुप्राइम टीवी लखनऊ। फरीदाबाद में इलाज के दौरान कर्मचारी की मौत के बाद उसके शव को कंपनी के गेट पर रखकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि परिजनों का आरोप है कि युवक को कंपनी के अंदर पीटा गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के बाद लोगों को समझा बुझाकर हंगामे को खत्म कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। ये अभी सुबह सूचना मिली थी कि इसका एक कर्मचारी है जो अलीगढ़ इलाज चल रहा था, वहाँ गुजर गया, उसकी डेड बॉडी को बारिशाल लेकर यहाँ आए हैं। अभी इन्होंने शक जाहिर किया कि हमारे बच्चे की चोटें मारी हैं। अब जिसका ये नाम लिखवाएंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार करेंगे और इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। नहीं, ऐसा अभी तक हमारे संज्ञान में कंपनी से संबंध नहीं आई। इन्हीं के साथियों ने बताया झगड़ा कंपनी के बाहर हुआ था। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना है। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।